नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और मैं हूं आपका दोस्त योगेश खत्री और मेरे साथ है मेरा साथी चंदन सैनी और हम आपको आज दिखा रहे हैं लोकसभा चुनाव की ये विस्तृत कवरेज और जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं मथुरा के इस प्रमुख मतदान केंद्र से जो शहर के बीचों बीच है। आप देख ही सकते हैं कि ये मतदान केंद्र कौन सा है। ये मतदान केंद्र है बीएसए डिग्री कॉलेज वाला और इस मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतदाता लगातार आ रहे हैं और ये जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं ये पंजाब से आए हैं और ये यहाँ पर खड़े होकर सुरक्षा का एहसास तो करा ही रहे हैं। अंदर जा रहे मतदाताओं को जानकारियां भी दे रहे हैं कि वे अंदर मोबाइल आदि कुछ भी उपकरण अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते हैं। उनको यहां पर मतदान करने के लिए खाली हाथ ही आना है और आप देखिए ये यहां पर लगातार जो मतदाता हैं वो हर वर्ग के आ रहे हैं और यहां पर सुबह से ही मतदाताओं की जो कतार है वो लगनी शुरू हो गई है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आप अपने मताधिकार का प्रयोग कराएं। अच्छा, जिसको आपने चाहा उसको आप दे आए। और क्या कहेंगे लोगों से आप बिना किसी का प्रचार किए? बिना किसी प्रचार किए जो आदमी कैंडिडेट सही है उसको वोट डाला जाए जो काम करे जी। और आपसे पूछे हम आज आपकी कैसी अनुभूति रही आपके इस चुनाव की मतदान की? हमें तो बहुत जोश है, बहुत जोश। हमने तो अलीगढ़ से आके वोट डाला है। अच्छा, अलीगढ़ से आके वोट डाला है आपने। तो अलीगढ़ में क्या करते हैं आप? अलीगढ़ में हमारा बेटा है। अलीगढ़ में आपका बेटा है तो वो आपको अपने पास बुला लेता है? अपने पास बुला लेता है, वहीं रहते हैं हम। अच्छा, यहाँ हमारा मकान है, हमारा नंबर यहीं था। अच्छा, तो यहाँ वोट डालने आए हैं हम अलीगढ़ से। आप यहाँ वोट डालने के लिए आए, देखिए ये जो लोग हैं वो कितने अपने आप में सजग और जागरूक हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अलीगढ़ से यहाँ तक आए हैं मथुरा। और यहाँ पर आप देखिए और भी ये देखिए आपको यहाँ पर वाहन लाने की सुविधा प्रदान की गई है। यह परेशानी है, इनको ऑपरेशन हो चुका है इसलिए ये चल नहीं सकती है। अच्छा अच्छा, हाँ, इस कारण थोड़ा इस कारण आप अपना वाहन लाए हैं और चलिए परमिशन लेकर गए हैं। चलिए, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर कोई परेशान है और उसके साथ ऐसी स्थिति है कि वो पैदल नहीं आ सकता है तो उसको अनुमन्य किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा वाहन लाने के लिए भी। और आप यहाँ पर वाहन कैसे लेकर के आए हैं? आप तो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं तो पैर में लग रही है। अच्छा, आपके भी पैर में लग रही है? अरे वाह, आज तो ऐसा हमने शायद कभी पहले नहीं देखा जैसा आज देख रहे हैं कि जी आप ये शो कर रहे हैं एक युवा मतदाता की हमने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। क्या कहेंगे मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद किसी का प्रचार किए बगैर? किसी का प्रचार नहीं किया, अपना मताधिकार किया है और देश को अच्छे हाथों में सौंपने की कोशिश की है हमने जी। वेरी नाइस। और आपसे पूछे हम तो आपकी कैसी अनुभूति रही है? शायद आपने पहली बार मतदान किया है या पहले भी कर चुके? सर, मैं पहले भी कर चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मोदी सरकार इज बेस्ट। आप प्रचार करने से बाज नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको प्रचार नहीं करना चाहिए। और हम यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखिए मीडिया के लोग भी हैं और हमारी एक साथी रहीं सीमा शर्मा भी हैं। सीमा जी, कैसा महसूस कर रही हो आज? तो आप सुबह से ही बिल्कुल मैदानी जंग में उतर गई हो, क्या क्या देखा है आपने, कहाँ कहाँ गई हो? सर, मैं अभी पहली बार यहाँ पर आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें ये फील हो गया है कि ये अधिकारी नहीं उनका कर्तव्य है, तो सबको वोट देना चाहिए और मैं भी दूंगी अभी वोट। अच्छा, मेरा दूसरा वोट होगा ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप जिनसे बात कर रही हैं या जिनसे बात आपने की है उसका लब्बो लो आप क्या है? सर, वो तो सब मतलब इतनी जागरूक हैं। पहले महिलाएं होती थी निकलती नहीं थी बाहर जी, उनको जी, थोड़ा जी। सा वो लगता था कि चलो छोड़ो या क्या जाएंगे बाहर, मतलब घर की दहलीज पार नहीं करती थी। आज वो इतनी जागरूक हो गई है, चाहे वो घूंघट में हो चाहे कैसी भी हो, वो अपना वोट देने सबसे पहले आ जाती है। आप देख सकते हैं सुबह सुबह सब 7 बजे से पहले ही लाइन में आ गए हैं।
सुबह सुबह आपने क्या रात को ही तैयारी कर ली थी वोट डालने की? रात को सोचा था कि पहला कोई वोट आपका डाल नहीं जाए, है ना? हाँ, पहले वोट हम ही डाले, हमने तो सोचा था। क्या आप क्या कह रही हो? कुछ नहीं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आदर्श मतदान केंद्र है और यहाँ पर देखिए हमें भाजपा के ये महानगर अध्यक्ष भी मिले हैं, पराशर जी। पराशर जी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र का महापर्व आपको देखने को मिल रहा है। मतदाताओं बहुत बड़ा उत्साह है, सारे बूथ सुचारू रूप से चालू हो चुके हैं और सभी वोट डाले, मैं भी वोट डाले आया हूँ। किसी प्रकार का कोई शिकवा, किसी से कोई शिकायत किसी को तो नहीं है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मैं लगभग सभी बूथों को देख रहा हूँ यहाँ पर। आप लगभग सभी बूथों को देख रहे हैं, अभी तक आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है? और हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये हर वर्ग के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो मतदान केंद्र हम आपको दिखा रहे हैं, ये मतदान केंद्र है। और ये देखिए, एक सरकारी कर्मचारी हैं, लेखपाल हैं, आप वार्ष्णेय जी हैं। अच्छा, अब रजिस्ट्रार कानून को हो गए हैं, ये पहले लेखपाल थे, कोई बात नहीं। आपको दिखाओ जी, आपको बधाई पहले तो रजिस्ट्रार कानून को बनने की, और दूसरी बधाई आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। थैंक यू सर। और हम ऐसा ही नज़ारा आपको बहुत जगह चल चल के दिखाएंगे और बताएंगे कि कहां पर क्या कुछ चल रहा है। ये आप देखिए, यहां पर ये मतदान जो चल रहा है बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और ये इन दृश्यों से क्या कह रहे हैं? चालू नहीं हुआ अभी, 7:30 बजे। अच्छा, कहां चालू नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी, चल रहा है चालू। अच्छा, कहीं चालू नहीं हुआ है? यहाँ बताइए, चालू नहीं हुआ है? खड़े 8 घंटे से खड़े हुए हैं। आधे घंटे से खड़े हुए हैं और किसी का भी वोट नहीं डला है यहाँ पर? अच्छा, तो ये सभी रूम्स की प्रॉब्लम है या किसी एक की है? क्यों, आपसे हम जाने क्या प्रॉब्लम आ रही है? अंदर जाना थोड़ा सा हम उचित नहीं समझ रहे हैं। चल रहा है मतदान, धीमे चल रहा है और लाइन लगी हुई है। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मतदान में कोई बाधा हो। यहाँ पर बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि वे आधे आधे घंटे से लाइन में खड़े हुए, लेकिन उनका नंबर नहीं आ पा रहा है और रुका हुआ है, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन जो सुरक्षा कर्मियों से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि मतदान चल रहा है, लाइन बड़ी हो गई है इसलिए धीरे धीरे चल रहा है, और सिस्टम भी इस बार नया है थोड़ा सा, इसलिए भी हो सकता है कि थोड़ा सा विलम्ब हो रहा हो। और फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और शीघ्र हाजिर होते हैं आपके साथ ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया, और टीवी टुडे इंडिया में इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पल पल का हाल मथुरा के लोकसभा चुनाव का। और ये लोकसभा चुनाव यहाँ पर दूसरे चरण में हो रहा है। हमने आपको मथुरा के विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण कराया, जिसमें मुख्य मतदान केंद्र हमारा रहा अभी तक BSA कॉलेज मथुरा। और अब हम आपको लिए चलते हैं गोवर्धन। गोवर्धन में अपने गांव गांठौली में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने किया है मतदान। के लिए मजबूत भारत के लिए ये लोकतंत्र का उत्सव है, सब लोग इसमें सहभागिता लें। और मैंने भी वोट डाला है, आप सब लोग वोट डालें। और ब्रजवासी तो पूरी तरह से मन बना चुके हैं अपनों कि यह बार फिर MIG जिताएंगे और जिता के दिल्ली भेजेंगे और केंद्र में फिर मोदी जी दोबारा से और मजबूती से प्रधानमंत्री बने, ऐसी से ब्रजवासी की इच्छा है। और ब्रजवासी की जो इच्छा है वह ठाकुर जी पूरी करें। सर, गठबंधन से आप लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा? कुछ गठबंधन से कोई गठबंधन ना है, यहाँ केवल एक ही नारा, एक ही नाम, नरेंद्र मोदी का मन था। सब ब्रजवासी अपना मन बना चुके हैं, यहाँ का गठबंधन की कोई दाल ना है गर्वे वाली, क्योंकि सब मोदी जी के साथ खड़े हैं। क्योंकि मोदी जी ने काम के लोगों को एक घर में गैस का चूल्हा दिया है, बिजली का कनेक्शन दिया है, आयुष्मान भारत के नाते बच्चों के परिवार के लिए 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया है, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि दिए हैं, जिनके पास घर नहीं उनको पक्के मकान दिए हैं, और जिनको नहीं मिले 2022 तक सबको मिल जाएंगे। तो ये सब लोग प्रधानमंत्री के साथ अपना गठजोड़ पहले से ही कर चुके हैं। विरोधी जो अली बजरंग बली का मुद्दा चल रहा है चुनाव, केवल विकास 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 विकास। थैंक यू। देश और समाज के हित में सही तरह से आहुति जाए देवत्व के लिए, न कि राक्षसत्व के लिए।
जो राष्ट्र के लिए नुकसान करे, समाज के लिए नुकसान करे, ऐसा कोई भी ठगबंधन हो, गठबंधन हो, इत्यादि कुछ भी हो, उनसे बच के जो राष्ट्रहित के लिए सर्वोपरि रखकर शुद्ध चित्त से बिना किसी लगाव के, बिना किसी आकर्षण के, जो जहां पर वोट डाला जाएगा वो एक यज्ञ की आहुति का प्रमाण कैसे मिले कि उसके अंतर मन में क्या भरा हुआ जनता है? जनता सारी पार्टियों के घोषणा पत्र को और उनके कार्यों को देखकर बहुत अच्छी तरह से आकलन कर सकती है। अगर अपने आप का किसी प्रकार का मान और अपमान से रहित होकर केवल राष्ट्र को और समाज को प्रमुखता देकर अगर सोचा जाएगा तो उच्चतम उचित जो उचित पार्टी है वो स्वतः सामने आ जाएगी। दूसरी बात, नोटा एक छलावा है। नोटा का बटन दबाना केवल समाज के लिए नुकसान को आहूत करता है। क्यों? नोटा दबाने पर आपने कैसे इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग ने कोई ऐसा विकल्प नहीं दिया है जहां से कोई नोटा की सार्थकता जाहिर होती हो। नोटा दबाने पर केवल और केवल हम जो हो सकता है कि उससे भी हम जो सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा बुरा और भी देश के लिए घातक वो पार्टी वहाँ पर उपस्थित हो जाए नोटा की वजह से। इसलिए नोटा को भी दबाना एक तरह से पाप करना है अभी वर्तमान परिस्थिति में। विवेक दत्त मथुरिया जी क्या कहेंगे आप? मतदान अभी पहला दौर शुरू हुआ है, सुबह सुबह मौसम बदलते समय रफ्तार ज़्यादा है, नए वोटर ज़्यादा आ रहे हैं और शांतिपूर्ण चल रहा है अभी मतदान। अच्छा, कहीं किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था या समस्या नहीं है अभी तक? अभी तक तो नहीं, अभी तो व्यवस्था चल रहा है, अभी तक व्यवस्थित चल रहा है, अभी तक तो व्यवस्था भी है। अब पढ़े लिखे लोग भी हैं, चलना भी चाहिए, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, चलना भी चाहिए सही हिसाब से, व्यवस्थित हिसाब से। जी, आप माता जी क्या कहती हैं आज के इस अवसर पर? थकी हारी आप तो सुबह सुबह उठी। हाँ भैया, मैं तो बीमार हूँ, दर्द बहुत है कमरे में, पकड़ के लाया फिर भी वोट देने आई, वोट डाल भी आई। तो ये पकड़ के लाया है या आप खुद आई हैं ये बताएं? पकड़ के लाया है, पकड़ के लाया है, वोट देने की इच्छा। हाँ, वोट डालना है। तो इनको ये आपकी इच्छा थी मतलब, है ना, वोट डलवाना है माता जी? मेरी होती आपकी नहीं? हाँ, हाँ। आपने कहा पकड़ के लाया? हाँ, ना ना, मैंने वोट देने के लिए गया, वो मुझे बोल रही है कि चलो सुबह सुबह वोट डाले। चलिए बढ़िया है, हम तो कह रहे हैं कि ऐसे पकड़ कर लाइए, अपने परिजनों को तो आपको लाना ही है, लेकिन किसी भी प्रत्याशी को या उसके समर्थकों को, मतदाताओं को नहीं धोना है, ये रहना है परिदृश्य। और आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि बीजेपी अगर आएगी तो और विकास होगा, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी जो हो रही है, हो रहा है ये बीजेपी के लिए सब खड़े भाई, जो जितनी भी मिलकर के पार्टियां जो कर रही है एक साथ मिलकर के, और देखो अब ये लोगों का जज्बा बढ़ाए और कितना जज्बा बढ़ जाएगा। अच्छा, ये देखिए इस मध्य हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर लगातार भीड़ आ रही है और मतदाता अपने मताधिकार का उत्साह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे ये मीडिया के ही साथी हैं गौरव चौधरी, और किस तरह से आज परिदृश्य बदल चुका है। पहले मीडिया बड़े बड़े कैमरे लेकर के चलता था और कैमरा पर्सन भी अलग होते थे, अब कैमरा पर्सन भी वही हैं और जर्नलिस्ट भी वही हैं, रिपोर्टर भी वही हैं, क्योंकि संसाधन जो हैं वो अब ऐसे हैं कि उन छोटे छोटे संसाधनों से ही बहुत दूरी तक जाया जा सकता है। और ये जो अभी इन्होंने यहाँ पर अपने मोबाइल से कवरेज की है, ये वीडियो अपने ये चैनल को भेजेंगे और वहाँ से इसका टेलीकास्ट होगा। क्यों और कहाँ कहाँ होकर आए हैं आप गौरव भाई? अभी जैसा कि अभी सरला देवी बूथ पर हम गए, वहाँ पे भी देखा कि लोगों में मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसको लेकर लोगों में खास, और लोग इस तरह का कैंडिडेट चुनते हैं, उनका जो विकास उसके उसके लोग कुछ उम्मीद लगा इस तरह के लोग कैंडिडेट चुनने की बात कह रहे हैं। और क्या कुछ वहाँ से आपको पता चल रहा है, अपने ऑफिस से क्या कुछ निर्देश मिल रहा है, कुछ बताएंगे उनका फोकस किन किन बिंदुओं पर? देखो, लगातार ऑफिस से जो आदेश जो मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि जो मतलब वहाँ किसी तरह की अपमान घटना हो उस पर नज़र बनाए रखे, और जो हेमा मालिनी जो सांसद हैं, जो पिछली बार भी 5 साल उन्होंने अपना कार्यकाल बताया है, उन पर खासी नज़र रखने की बात कही गई है। हेमा मालिनी जी की जो क्या रूटीन है, क्या उनका रहेगा, किस किस जगह उनका भ्रमण रहेगा, दौरा रहेगा, किस किस बूथ पर वो जाएंगी, उन पर भी खासी नज़र रखने की बात कही गई है जी। अच्छा, और आपने क्या कुछ देखा है, और कुछ आपको क्या कहने का मन कर रहा है आज के इस जो प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी चौक चौबंद है, क्योंकि चप्पे चप्पे फोर्स लगाए, काफ़ी राज्यों से फोर्स यहाँ मंगा लिया गया, जैसे कि हिमाचल का फोर्स भी यहाँ है और हरियाणा से भी फोर्स है, काफ़ी फोर्स, मतलब किसी तरह की कोई अनहोनी घटना की तो आशंका ही नहीं, क्योंकि प्रशासन की जो व्यवस्था है वो अच्छी है।
प्रशासन की जो व्यवस्था है वो अच्छी है जी। और आप भी इस बात से सहमति जता रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं? अभी तक तो व्यवस्था तरीके से शांतिपूर्ण चल रहा है। लोग ज्यादा लोगों का देखिए जरा है, लगातार परसेंटेज का फ्लो ज्यादा है इस समय, लगातार परसेंटेज बढ़ रहा है और फ्लो भी बढ़ रहा है। ये हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं इस मतदान केंद्र को, और ये मतदान केंद्र है मथुरा का प्रमुख मतदान केंद्र, जिस पर फोकस रहता है विभिन्न राजनीतिक दलों का भी। यहाँ पर कोई राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों आदि के मध्य भी कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई है। और यहाँ से देखिए आप, ये गाड़ियाँ भी लगातार जो पुलिस प्रशासन की हैं वो भ्रमणशील हैं, मतदान केंद्रों पर निगाह बनी हुई है पुलिस की, प्रशासन की, सुरक्षा बलों की। और आइए हम आपको लिए चलते हैं थोड़ा सा और मतदान केंद्र के निकट, और कुछ और जो मतदाता गण आ रहे हैं उनसे हम आपको मिलवा रहे हैं। और ये मुस्कुराते हुए मथुरा के ब्राह्मण नेता पंडित रमेश दत्त शर्मा जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आज का चुनाव देश के आगे का चुनाव है, सभी प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान करने का प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रत्याशी योग्य हैं, सही है, लेकिन सर्वोत्तम नरेंद्र सिंह है। अच्छा, उसका कारण ये है कि लोकल है, जनता से मिलता रहता है, जनता काम करता है जी। और ये जुमलेबाजी सरकार जो अब तक रही है उसके खिलाफ जन आक्रोश है। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र सिंह भारी बहुमत से जीतेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के अंतर्गत मथुरा लोकसभा क्षेत्र के लिए भी चुनाव कराया जा रहा है, और ये चुनाव आमतौर पर शांतिपूर्ण चल रहा है। लेकिन एक समाचार जो बलदेव विकास खंड से मिल रहा है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। बलदेव विकास खंड के गांव जगतिया के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है, चुनाव का बहिष्कार किया है, शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। और हमारे साथी संवाददाता बंटू उपाध्याय के अनुसार उनके द्वारा ये मतदान का बहिष्कार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वे अपनी समस्याओं से आजे जा चुके हैं और शासन प्रशासन के जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाकर तंग आ चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ है, गाँव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर समस्याओं के कारण, गांव का विकास न होने के कारण यहाँ की जो बहन बेटियाँ हैं उनकी बारातें तक नहीं पहुँच पाती हैं, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, गांव के परिक्रमा मार्ग की स्थिति और अधिक खराब है। इस संबंध में जब हमने पीठासीन अधिकारी रूपचंद्र से बात की तो उन्होंने बताया कि एक वोट डला है और कुल 456 मतदाता इस गांव में हैं, यानी कि 456 मतदाताओं में से सिर्फ एक वोट डला है। अब देखना होगा कि इस खबर के प्रसारण के बाद प्रशासन का क्या रुख रहता है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासनिक उच्च अधिकारी इस जगतिया गांव में, बलदेव विकास खंड के जगतिया गांव में पहुंचेंगे और इन ग्रामीणों को समझा बुझाकर मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे। और हम भी यही कहेंगे कि जो समस्याएं हैं उनको आने वाले समय में फिर देख लिया जाएगा, अभी फिलहाल वे चुनाव का बहिष्कार न करें, मतदान करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। सुबह से मतलब 7 बजे स्टार्ट किया वोटिंग और मतलब तक कोई वोट डला नहीं है, और एक वोट डला है अभी तक, वो 10 बजे करीब डला था, एक वोट डला है, एक वोट डला है। कितने वोटर्स हैं? 456 वोटर हैं यहाँ पर, 456 अभी तक एक वोट नहीं डला है, एक वोट डल गया है। अच्छा, अधिकारी आए हैं जो आपके पास में अधिकारी हैं? हाँ आए हैं, उनको खबर दिया गया है, फोन भी किया हुआ है। अभी क्या स्थिति बनी हुई है? अभी तो कोई वोटर आया नहीं, अब स्थिति यही है, सुबह से जो है एक वोट डल गया है, एक ही वोट डला, एक वोट डल गया है।